नमो नमः मित्रों, मैं विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, सुपर टेट के इस महासमर में हम लोग फिर से आ गए हैं और आप क्या करिए, जूझने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको 10 में 10 चाहिए। कितना चाहिए? इससे कम तो बिल्कुल नहीं। अगर इससे कम अगर आया तो फिर ना तो मेरे पढ़ाने का कुछ लाभ हुआ और ना ही आपके पढ़ने का कुछ लाभ हुआ। आई वे समझ में? तो क्या करते हैं, आइए हम लोग समय को न गंवाते हुए क्या करते हैं, सीधे विषय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको इस एक सूत्र दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, स्प्रिहे रिप्सिता, क्योंकि हम लोग कारक प्रकरण की चर्चा करें। किसकी चर्चा कर रहे हैं? कारक प्रकरण की। और कारक प्रकरण के अंतर्गत हम लोगों के कौन सा कारक चल रहा है? संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान, ठीक ना। संप्रदान क्या होता है भैया? तो कहा कि कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, कि कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जाए, कि कौन सा कर्म? तो कहा दान कर्म। कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत जोड़ना चाहे, अर्थात जिसको दान दे रहा हो, तो जो दान ग्रहण कर रहा है, अर्थात जो व्यक्ति किसी को दान दे रहा है, उसमें क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संप्रदान कारक होता है। आइए समझ में, ठीक। तो आइए उसी संप्रदान कारक के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं स्प्रिहे रिप्सिता पे, ठीक। स्प्रिहे रिप्सिता एक सूत्र है जो कि कहता है कि स्प्रिह अर्थात चाहना धातु में, कौन सी धातु में? तो कहा चाहना चाह धातु के योग में जिस वस्तु की चाह हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। आई बस समझे, स्प्रिह रिप्सिता क्या कहता है? तो कहा स्प्रिह धातु का अर्थ होता है चाहना, ठीक। तो कहा जब किसी भी वाक्य में चाहने के अर्थ में स्प्रिह धातु का प्रयोग हो, ठीक है, तो कर्ता द्वारा जिसको चाहा जाएगा, ठीक है ना, जहां जिसकी स्प्रिह धातु लगेगी उसकी क्या होगी, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। और संप्रदान कारक में आप लोग जानते हैं क्या लगता है? तो कहा संप्रदान संज्ञा में संप्रदानी चतुर्थी सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा रमा पुष्पेभ्यः स्पृहयति, रमा पुष्पों को फूलों को चाहती है, रमा फूलों को चाहती है, क्या करती है, चाहती है अर्थात इच्छा करती है। किस चीज की इच्छा करती है रमा? तो कहा फूलों की इच्छा करती, फूलों को चाहती है, ठीक है। तो जब रमा क्या करता है, पुष्पों को चाह रही है, तो इसका जब हम लोग वाक्य करेंगे तो ध्यान रखिएगा, रमा अकेली है, क्या है रमा, रमा अकेली है तो क्या हुआ, रमा होगा। अब देखिए यहां पे क्या है, फूलों को, तो कहा फूलों को क्या है, एक ठो फूल नहीं है बल्कि क्या है, बहुत सारे फूल है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, पुष्पेभ्य, सॉरी जिस वचन का कर्ता होती है वचन के, तो यहां पे जो ये पुष्पेभ्य होगा, तो पुष्पेभ्य क्या है ना, तो पुष्पेभ्य बहुवचनांत है, फूलों को एक ठो फूल नहीं है बल्कि क्या है, बहुत सारे हैं, ठीक। तो पुष्पेभ्य तो फूलों को क्या कर रही है, चाह रही है, ठीक। तो रमा पुष्पेभ्य स्पृहयत। फिर दूसरा वाक्य है कि बालिका फलेभ्य स्पृहयंती, कि बालिकाएं फलों को चाह करती हैं। दूसरा वाक्य है आपका कि बालिकाएं, एक ठो बालिका नहीं है, बहुत सारी बालिकाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी बालिकाएं हैं, बालिकाएं फलों की, किसकी, फलों की चाह करती है, किसकी चाह कर रही हैं, फलों की, बालिकाएं फलों की चाहती हैं, बालिकाएं फलों को चाहती हैं या फलों की चाह रखती हैं, फलों को चाहती हैं, ऐसा कर लेते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कहा बालिकाएं तो अकेली बालिका नहीं है बल्कि क्या है, बहुत सारी बालिका है। जब बहुत सारी बालिका है तो क्या हो जाएगा, बालिका, क्योंकि बालिका बालिके बालिका, ठीक। तो बालिकाएं बालिका क्या हो गया, फलों को, किसको, फलों को, तो क्या हो जाएगा, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए भाई। बालिकाएं फलों की चाह करते हैं तो क्या हो जाएगा, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि देखिए आधा न संप्रदान है चतुर्थी, संप्रदान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो कहा संप्रदाने
संप्रदाने चतुर्थी, ठीक है ना, अर्थात कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कहा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहां समझिएगा कि जब क्या है, यहां पे फूल अकेले फूल की चाह नहीं करेंगे, कोई एक पुष्प नहीं है, बल्कि क्या है फूलों की चाह करते हैं। जब फूलों की जब चाह करेंगी तो क्या हो जाए, सॉरी फलों की चाह करते हैं, एक ठो आम नहीं चाहिए बल्कि उन्हें दर्जन भर आम चाहिए। तो एक दर्जन में क्या होगा, एक दर्जन 12 ठो होगा ना, तो सॉरी यार केला होता है, ठीक। तो अगर उन्हें 1 किलो आम चाहिए, सपोज मान लीजिए अगर बालिकाओं को 1 किलो फल चाहिए, आम चाहिए, तो उसमें तो बहुत सारे फल होंगे, कोई एक फल तो होगा नहीं। जब एक फल नहीं है तो वहां पे क्या हो जाएगा, फलों की क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्त बहुवचनांत में क्या प्रयोग होता है, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, तो क्या हो गया, बालिकाः फलेभ्यः स्पृहयन्ति, क्योंकि जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, स्पृहयन्ति। अगला वाक्य है अहम संस्कृताय स्पृहयामि, मैं संस्कृत की को चाहता हूँ, अर्थात संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। अहम मैं संस्कृत चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, संस्कृत को चाहता हूँ या संस्कृत चाहता हूँ। मैं संस्कृत चाहता हूँ, तो यहाँ पे यह समझिएगा, मैं संस्कृत चाहता हूँ तो क्या इसका बनेगा, अहम माने मैं यानी अकेला, ठीक। फिर कहा क्या कि संस्कृताय, क्योंकि स्पृह धातु है, कौन सी धातु है, स्पृह धातु है, तो यहाँ पे क्या बन गया, संस्कृताय, ठीक है। जिसको चाहा जाए उसकी क्या होगी, उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, तो कहा चतुर्थी विभक्ति लगेगी, किस सूत्र से लगेगी, तो कहा स्पृह रिक्तता सूत्र से लगेगी। आई प्रश्न है, फिर कहा स्पृहयामि, मैं संस्कृत को चाहता हूँ, अर्थात संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र आपको दिख रहा है जो कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच, ठीक है, कौन सा है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच दिख रहा है, जिसका क्या है, नमः के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, तो कहा चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सा कारक होगा, तो कहा संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा, तो संप्रदान कारक होगा। क्यों संप्रदान कारक होगा, क्योंकि संप्रदाने चतुर्थी, किस सूत्र से, कहा नमः स्वस्ति स्वाहा। जब भी किसी भी वाक्य में नमः शब्द आ जाएगा, जैसे क्या, विश्लवे नमः, हाँ श्री गणेशाय नमः, ठीक, श्री कृष्णाय नमः, श्री रामाय नमः, ठीक है ना। तो जब भी क्या होगा, इस तरह से जब भी वाक्य कोई आया, ठीक ना, नमः का क्या होता है, कततुभ्यम कहते हैं ना, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक है ना, तुम्हारा कल्याण होगा कहते हैं ना। तो इस तरह का जब भी वाक्य होगा, ठीक है ना, कौन कौन सा, तो कहा नमः स्वस्ति कल्याण स्वाहा, तो कहा जब हवन इत्यादि यज्ञ इत्यादि होता है, कहते हैं ना इंद्रये स्वाहा अग्नये स्वाहा विश्लवे स्वाहा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी वाक्य आएगा, ठीक ना, तो वहां पे क्या, चतुर्थी। फिर कहा स्वधा, स्वधा क्या होता है, तो कहा पितरों को जो दिया जाता है, हाँ जब हमारे यहाँ क्या होता है, पितृपक्ष में क्या किया जाता है, हम अपने पितरों को आहुति देते हैं ना, हाँ कुछ देते हैं, मतलब कि खाने पीने की वस्तुएं निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब भी क्या होता है, तो उन्हें स्वधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब हम लोग हमारे यहाँ जब कोई किसी का देहावसान हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 13 दिन तक उनका पिंडदान करते हैं ना, लोटा इत्यादि लेकर के। तो ये जो क्या है, तर्पण की प्रक्रिया है, तो उसमें जो कुछ भी अपने क्या किया जाता है, जो हमारे यहाँ से गुजर गए, जो भी हमारे पितर हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, तृप्ति प्रदान करने के लिए तर्पण करते हैं, और उन्हें तर्पण रूप में जो पदार्थ दिया जाता है, उसे स्वधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैसे हवन इत्यादि के समय स्वधा होता है, क्या होता है, स्वधा नहीं, स्वाहा होता है। जैसे अग्नि के जब हम लोग हवन पूजा इत्यादि करते हैं, तो उसमें क्या कहा, इंद्रये स्वाहा अग्नये स्वाहा, ठीक है, इंद्राय स्वाहा हो गया, रामाय स्वाहा, जो कुछ भी, ठीक। तो इस तरह से जितने भी वाक्य होंगे, तो वो क्या होंगे, देव को क्या दिया जाता है, स्वाहा करके दिया जाता है, पितरों को स्वधा करके दिया जाता है, ठीक। तो इस यहां पर ये देखिए, श्री गणेशाय नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी, विष्णवे नमः, ठीक।
तो विष्णु के लिए क्या है, नमस्कार है, ठीक है। तुभ्यम स्वस्ति, तुभ्यम स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक कहते हैं ना कि तुभ्यम स्वस्ति, रे बचवा तोर कल्याण हो, ठीक। फिर इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा, ठीक ना, स्वाहा हव्यार्थ पदार्थ हम लोग करते हैं, ठीक। फिर कहा पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए क्या है, स्वधा है। फिर दैत्यभ्य हरि अलम, अलम क्या है, अव्यय है। ये सब क्या है, ये अलम क्या है, अव्यय है, क्या है, अव्यय, जिसका अर्थ होता है पर्याप्त, जिसका अर्थ क्या होता है, पर्याप्त। दैत्यभ्य हरि अलम, अर्थात दैत्यों के लिए हरि क्या है, पर्याप्त है, ठीक। आइए आगे चलते हैं। अब यहां से अगली विभक्ति आती है पंचमी। अब यहां से वहां तक आप लोगों ने चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक देखा, अब आप देखेंगे पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, पंचमी। और कारक तो कहा अपादान कारक, कौन सा कारक, तो कहा अपादान। तो यहां पे एक आपको सूत्र दिख रहा है कि ध्रुवम अपाए अपादानम, ठीक। कह रहा है कि ध्रुवम, ध्रुव से अपाए अलगाव होना, होने की प्रक्रिया अपादान कहलाती है। ध्रुवम अपाए अपादानम, अर्थात ध्रुव से अपाय की प्रक्रिया अपादान कहलाती है। ध्रुव क्या होता है, तो यहां लिखा है कि जिससे कोई वस्तु अलग हो, ठीक। अलगाव की जब भी बात हो आएगी, अलगाव की जब भी बात आएगी तो जान लीजिए ना अपादान है। कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। तो इस प्रकरण में क्या हुआ कि कहा ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम, तो इसमें क्या हुआ, ध्रुव कोई भी वस्तु है, जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब ये समझिए कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या वृक्ष से पत्ता गिरता है, गिरते हैं क्या हो गया, बहुवचनांत हो गया, कि वृक्ष से कोई एक पत्ता नहीं बल्कि बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाए, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। लेकिन अगर हम कह दें कि वृक्ष से पत्ता गिरता है या गिर रहा है, तो अर्थात एक ही पत्ता गिर रहा है, तो वाक्य तब क्या बन जाएगा, वृक्षात, वृक्षात पत्रम पतति, सॉरी यहां पे गलत है, ठीक ना, वृक्षात पत्रम पतति, अर्थात वृक्ष से पत्ते, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो कहा कि वृक्ष क्या हो गया, आपका वृक्ष अब ध्रुव हो गया, वृक्ष क्या है, ध्रुव हो गया, वृक्ष से ध्रुव हो गया। और अपाय अलग होना, कहने का मतलब यह है कि किसी ध्रुव से, ध्रुव क्या होता है, तो कहा स्थिर होता है। स्थिर कहने की भाव ये नहीं है, देखिए अगर कह दे, अगर हमने वाक्य कह दिया कि अश्व से बालक गिरता है, अश्व से बालक गिरता है, या बालक अश्व से गिरता है, ठीक। तो बालक अश्व से गिरता है, तो ये समझिएगा, अब पहले वाक्य समझिए, बात समझिएगा क्या है, कहा हमने बालक अश्व से घोड़े से गिरता है, बालक घोड़े से, घोड़े से गिरता है, हमने वाक्य यही कहा कि बालक घोड़े से गिरता है, भी ये समझिएगा। तो यहां पे क्या है, देखिए समझिए, क्योंकि देखिए जिससे अलगाव होगा, जिससे अलगाव होगा वो हमारा ध्रुव होगा, क्या होगा, तो गिरने की क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, गिरने की क्रिया हो रही है। और कौन गिर रहा है, तो कहा बालक गिर रहा है, बालक क्या हो गया, तो बालक हमारा अपाय हो गया, क्या हो गया, अपाय, बालक क्या हो गया, तो कहा अपाय हो गया, क्योंकि घोड़े से कौन गिर रहा है, बालक गिर रहा है, तो बालक अपाय हो गया। ध्रुव जिससे कोई अलग हो, अर्थात जो क्या होता है, ये आपका घोड़ा क्या हो गया, तो ये कहा ध्रुव हो गया, क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है। तो देखिए बात समझिएगा, ध्रुव कहने का भाव ये है कि अडिग है, अडिग कहने का भाव ये नहीं कि मतलब कि अडिग कहने का भाव ये है, यहां पर ये इससे मत मानिए कि वह एक स्थान पर स्थिर, ऐसा नहीं है। ध्रुव वह हो सकता है जिससे, इसी हिसाब से समझिएगा कि जिससे कोई वस्तु अलग हो वह ध्रुव है। तो यहां पर चाहे वृक्ष से पत्ता गिरता है या हिमालय से नदी,
हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, तो क्या होता है, हिमालय एक क्या है, ध्रुव है, और उससे गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी का, ठीक है, हिमालय से निकलने की क्रिया, ठीक, क्या हो गया, एक ध्रुव दूसरा अपाय। वैसे ही यहां पर घोड़े से कौन गिरता है, बालक गिरता है, तो बालक अपाय, घोड़ा ध्रुव हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, किसे, अश्वात बालक पतति, बालक कहां से गिरता है, बालक अश्वात पतति, बालक घोड़े से गिरता है, ठीक। इसी तरीके से यहां पर क्या हो गया, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति, ठीक, आई बात समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा अपादाने पंचमी, उसी का भाग है अपादाने पंचमी, जो कहता है कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, कि अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति किसमें होती है, तो कहा अपादान कारक में, अपादाने अपादान में पंचमी, पंचमी विभक्ति होती है, ठीक। अपादान किसे कहते हैं, तो कहा, कहा कि ध्रुवम अपाये अपादानम, कहा जिससे किसी का अलगाव हो, जिससे किसी का अलगाव हो उसकी अपादान संज्ञा होती है, अर्थात उसको अपादान कारक कहते हैं, और अपादाने पंचमी, तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक। तो जैसे एक यहां पे देखिए एक वाक्य लिखा है कि महेश आसनात उत्तिष्ठति, कि महेश, महेश आसन से, किससे, आसन से, आसन से उठता है, क्या है, उठता है, महेश आसन से उठता है। अब यहां पे देखिए महेश क्या हो गया, तो कहा महेश अपाय हो गया, क्या हो गया, अपाय हो गया, और आसन से, आसन से जिससे अलगाव होगा वो क्या हो जाएगा, तो कहा ध्रुव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कहा ध्रुव हो जाएगा, ध्रुव से अपाय का अलगाव हो रहा है, आसन से किसका अलगाव हो रहा है, महेश का, क्रिया कौन सी हो रही है, उठने की, तो वाक्य क्या बनेगा, महेश पंचमी, क्योंकि आप लोग जानते हैं अपादाने पंचमी, तो महेश आसनात उत्तिष्ठत। इसी तरीके से इस दूसरा वाक्य है कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक, तो इसे समझिए कि गंगा क्या है, गंगा हिमालय से, किससे, हिमालय से निकलती है, क्या करती है, निकलती है, ठीक। तो यहां पर इस बात को समझिएगा कि हिमालय से क्या हो गया, ध्रुव, क्या हुआ, ध्रुव हुआ, और यहां गंगा, तो गंगा कहा अपाय हुआ, क्या हुआ, तो कहा अपाय हुआ, और ध्रुव से अपाय का अलगाव है, ठीक है ना, तो स्वाभाविक सी बात होगी कि जब भी इस तरह की प्रक्रिया होगी, ठीक है ना, तो जो आपका ध्रुव होता है, क्या होता है, ध्रुव होता है, अब ठीक है ना, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पंचमी विभक्ति का, तो महेश आसनात उत्तिष्ठत। इसी तरीके से गंगा हिमालयात प्रभवति, ठीक है, बालक सोपानात पतति, बालक सोपानात अर्थात सीढ़ियों से, बालक किससे गिरता है, तो कहा बालक सीढ़ियों से गिरता है, सीढ़ी से गिरता, सीढ़ियों से नहीं, क्योंकि अगर सीढ़ियों से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचनांत हो जाएगा, ठीक है ना, आई बात समझ में, तो यहां समझेगा बालक सीढ़ी से गिरता है, बालक किस कहां से गिरता है, सीढ़ी से, ठीक, तो बालक सोपानात क्या पतति। इसी तरीके से सर्वे विमानात अवतरन्ति, सभी लोग विमान से उतरते हैं। इस वाक्य को समझिएगा अच्छे से कि सभी लोग, लोग
विमान से या हवाई जहाज से कह लें, विमान से उतरते हैं, उतरते हैं। ठीक, तो ये समझिए इस वाक्य में आपका, देखिए समझिएगा, विमान से यहां कर लेते हैं, विमान से, विमान से, तो यहां पर विमान से ये आपका क्या हो गया, विमान से ये जो आपका वाक्य है ये वाला, ये आपका हो गया क्या, ध्रुव, क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और ध्रुव हो गया तो ध्रुव, ठीक, और इधर सभी लोग क्या हो गए, तो सभी लोग अपाय हो गए, क्या हो गए, अपाय हो गए, अपाय, जब भी ध्रुव से अपाय का अलगाव कहाँ क्या हो, दिखलाई पड़े, तो वहां पर अपादान कारक होगा, और अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अब एक चीज और समझिएगा, आखिर प्रश्न ये उठता है कि कहाँ पंचमी विभक्ति लगेगी, तो ये समझिए कि सदैव पंचमी विभक्ति ध्रुव में लगेगी, किसमें लगेगी, इस ध्रुव में लगेगी, और ध्रुव में जब लगेगी तब वाक्य आपका क्या बनेगा, तो कहा सर्वे, सभी लोग, ठीक है ना, विमानात, विमान से, अवतरन्ति, उतरते हैं। ठीक, आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र आपको वार्तिक है, क्या है ये, वार्तिक है कात्यायन जी का, किसका है, कात्यायन का, महर्षि कात्यायन ने इसको दिया है, ये आपको जो वार्तिक दिख रहा है ये आप किसने दिया है, कौन सा, कहा जुगुप्सा विराम प्रमादा अर्थानाम उपसंख्यानम। ठीक, तो ये आपको जो जुगुप्सा विराम प्रमादा अर्थानाम उपसंख्यानम दिख रहा है ये वार्तिक है, और इसको किसने दिया है, तो कहा महर्षि कात्यायन ने दिया है। महर्षि कात्यायन कौन है, तो कहा कि संस्कृत व्याकरण के कर्णधारों की संख्या में जो आपके त्रिमुनि जाने जाते हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण जो है वो तीन स्कंधों में क्या है हमको दिखलाई पड़ता है, तीन कर्णधार हैं, ठीक ना, जैसे तीन पहिया वाहन में, ठीक है ना, चाहे वो अब ई रिक्शा कह लीजिए, ठीक ना, जो भी जितने भी तीन पहिया वाहन है, अगर उसका एक चक्का क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तीन पहिया वाहन के चाहे तो अगला चक्का गड़बड़ हो जाए, या ये वाला चक्का गड़बड़ हो जाए, या ये वाला चक्का गड़बड़ हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो सब पूरा गड़बड़े हो जाएगा। आई बात समझे ना, तो ऐसी प्रक्रिया में क्या है, ये जो तीन मुनि हैं कौन कौन से, तो कहा कि पाणिनि, कौन कौन, तो कहा पाणिनि, पाणिनि कात्यायन और पतंजलि, कौन कौन, तो कहा पाणिनि कात्यायन और पतंजलि, ये जो तीन लोग हैं वो क्या हैं, तो कहा ये तीनों संस्कृत व्याकरण के कर्णधार हैं, क्या हैं, कर्णधार है, इन्हीं तीनों लोगों को क्या कहा जाता है, तो कहा त्रिमुनि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कहा त्रिमुनि कहा जाता है, किसको त्रिमुनि कहा जाता है, पाणिनि कात्यायन पतंजलि को। ठीक, पाणिनि का क्या है, तो कहा अष्टाध्यायी ग्रंथ है, कात्यायन का तो कहा वार्तिक है, पतंजलि का तो कहा महाभाष्य है। ठीक, तो ये जो दूसरे नंबर वाले हैं कौन, महर्षि कात्यायन, इन्होंने ही क्या दिया था, इन्होंने ही इसको दिया कि जुगुप्सा विराम प्रमादा अर्थानाम उपसंख्यानम, क्या, उपसंख्यानम। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं अच्छे ढंग से। हाँ, अब देखिए समझिएगा, जुगुप्सा तो क्या है, घृणा है, जुगुप्सा क्या है, घृणा, किसी से आप घृणा या निंदा करते, किसी की आप निंदा करें या उससे घृणा करें। ठीक, निंदा आप कब करेंगे, निंदा सभी ऐसे नहीं करते, जब कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता है कुछ ना कुछ कारणवश, तो उसी की वो निंदा करता है, तो वो जुगुप्सा है, क्या है, जुगुप्सा है। फिर कहा विराम, विराम का अर्थ रुकना होता है, क्या होता है, रुकना। फिर प्रमाद, प्रमाद आलस्य होता है, क्या होता है, आलस्य होता है। तो कहा कि जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली, अर्थ वाली धातुओं का यदि प्रयोग कहीं हुआ हो, किसी वाक्य में हुआ हो, तो जिससे क्या किया जाए,
जिससे जुगुप्सा अर्थात घृणा या निंदा किया जाए, जिस कारण से रुका जाए या जिस कारण से आलस्य किया जाए, उसमें क्या होगी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग, उसमें उसी में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। आइए समझे, पंचमी विभक्ति का कहां प्रयोग किया जाए, तो जिससे घृणा की जाए या निंदा की जाए, जिस कारण से रुका जाए या फिर जिस कारण से क्या किया जाए, आलस्य किया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। ठीक, जैसे एक वाक्य है, वह पाप से घृणा करता है, वह पाप से घृणा करता है। ठीक है, एक वाक्य है आपके समक्ष दिख रहा है कि वह पाप से घृणा करता है। ठीक, तो यहां पे ये समझिएगा कि आपको मिल गया ना, क्या मिल गया, जुगुप्सा मिल गया, घृणा मिल गया। तो जिससे घृणा की जाए, जिससे घृणा की जाएगी, उसमें क्या होगी, तो कहा उसमें पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। आई बसन में, और उसमें कारक कौन सा होगा, तो कहा अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा, तो कहा अपादान कारक होगा, और उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। किस सूत्र से पंचमी विभक्ति होगी, तो कहा अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होगी। ठीक, इस सूत्र से नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, इस सूत्र से क्या होगा, ये जो वाक्य आपको दिख रहा है इसकी क्या है, अपादान संज्ञा हो रही है। वह पाप से घृणा करता है, इस वार्तिक से इस वाक्य की अपादान संज्ञा होगी, और अपादाने पंचमी सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसका अनुवाद जब हम बनाएंगे तो क्या अनुवाद बनेगा, तो कहा वह तो सह, वह सह, ठीक, पाप से, पाप क्या है, एक वचन में यहां प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना, तो कहा पापात, क्या कहा, पापात क्या करता है, घृणा करता है, क्या करता है, घृणा, और जुगुप्सा, सॉरी यहां पे थोड़ा सा गलती हुई, यहां देख लीजिएगा, ये यहां पे ऐसे होना चाहिए था, यहां पे जुगुप्सा, ठीक, ये क्षमा प्रार्थी है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा यहां पे एक ठो ये ज्यादा लिखा गया है, ठीक ना, ऐसे कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं लिखेगा, ठीक, तो कहा सह पापात, पाप से जुगुप्सते, क्या करता है, घृणा करता है, क्योंकि जो ये जुगुप्सा अर्थ है, ठीक है ना, जो जुगुप्सा वाली धातु है, ये आत्मनेपदी में प्रयुक्त होता है, किसमें प्रयुक्त होता है, आत्मनेपदी में प्रयुक्त नहीं होता, इसलिए जुगुप्सते हुआ है। ठीक, दूसरा वाक्य है कि महेश कार्य से रुकता है, दूसरा वाक्य है कि महेश कार्य से महेश कार्य से रुकता है। ठीक, तो यहां पे ध्यान रखिए, यहां पे रुकने की बात आ गई, किसकी बात आ गई, रुकने की, तो विराम क्या है, विराम यहां पे जो दिख रहा है आपको रुकने अर्थ में है, किस अर्थ में है, रुकने, तो इसका जब क्या करेंगे, जब विराम भी मिल गया तो ये वार्तिक लग जाएगा, वार्तिक जब लग जाएगा तो इसका जो अनुवाद बनेगा क्या बनेगा, तो कहा महेश कार्यात, कार्य से, किसी कारण से, कार्यात कारण से, ठीक ना, कार्य से क्या, विरमति, रुकता है, क्या करता है, विरमति, रुकता है। ठीक, फिर अगला वाक्य है आपको दिख रहा है जो कि वह पढ़ने से आलस्य करता है, क्या करता है, आलस्य करता है। ठीक, वह पढ़ने से आलस्य करता है, कौन पढ़ने से आलस्य करता है, तो कहा महेश पढ़ने से क्या करता है, आलस्य करता है। तो जब इसका वाक्य हम लोग बनाएंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, ठीक है, जब अनुवाद बनाएंगे तो क्या करेंगे, सह वह कौन, कहा महेश, इसी वाक्य को हम ले लेते हैं, ठीक है, महेश वाले को ही, ठीक, तो कहा सह वह कौन, तो कहा महेश
क्या करता है? तो कहा प्रमाद करता है। कैसा प्रमाद करता है? आलस्य कैसे करता है? तो कहा पढ़ने से आलस्य करता है। तो पढ़ने में क्या हो जाएगा? पठनात्। क्या हो गया? सह या महेश पठनात् प्रमाद्यति, अर्थात क्या करता है? आलस्य करता है। तीसरा वाक्य है कि चौथा वाक्य है, अंतिम वाक्य है आपका, चौथा वाक्य है स्वाध्याय से आलस्य मत करो, आलस्य मत करो, ठीक। अंतिम वाक्य है कि स्वाध्याय से आलस्य मत करो। तो क्या हो गया यहां ध्यान रखिएगा, यहां मिल गया ना, फिर क्या प्रमाद अर्थ मिल गया आलस्य वाला, तो यहां पे पंचमी लग जाएगी, ठीक। वार्तिक से तो किससे आलस्य मत करो, तो कहा स्वाध्याय से, तो स्वाध्याय में क्या हो जाएगा? स्वाध्यायात। क्या हो जाएगा? स्वाध्यायात। क्या क्या प्रमद, क्या मत आलस्य, मा प्रमद, मा माने नहीं या मत, ठीक। तो स्वाध्यायात मा प्रमद, स्वाध्याय से आलस्य मत करो, ठीक। आई बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सूत्र है भीतरार्थानाम भय हेतु। क्या है? भीतरार्थानाम भय हेतु। यह क्या कहता है? यह समझिएगा, यह कहता है कि भी मतलब डरना, डर अर्थ वाली, ठीक। और त्रयी त्राण त्रा अर्थानाम, तो कहा भीतरार्थानाम भय हेतु, तो कहा भय हेतु कि भी भय त्रा अर्थ रक्षा करना, जहां पर डर लगने वाली और त्राण रक्षा करने वाली धातु का प्रयुक्त हुआ हो। जिस वाक्य में डर लगना और रक्षा करना, या तो चाहे डर लगने वाली बात हो या रक्षार्थ कोई बात हो, तो जिससे डर लग रहा हो, जिससे डर लग रहा हो या जिससे रक्षा की जा रही हो, या जिससे रक्षा की जा रही हो, उसमें क्या होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्या होगा? उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी कि उसकी उसमें अपादान कारक होगा, ठीक। उस वाक्य में अपादान कारक होगा। देखिए यहां पे कुछ लिखा है कि जिससे भय हो, जिससे रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होती है। और आप लोग जानते हैं कि अपादाने पंचमी से क्या होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वाक्य है कि वह चोर से डरता है, वह चोर से डरता है, ठीक है, समझिएगा अच्छे से, वह चोर से डरता है। तो यहां पे क्या हो गया? अभी आपको समझ दिख रहा है ना यहां पे कि क्या, कि भीतरार्थानाम भय हेतु, तो भी मतलब डरना, तो यहां पे क्या आ गया? डरना आ गया, अर्थात मतलब भी धातु आ गई। कौन सी धातु आ गई? भी धातु आ गई। और भी धातु जब आ गई तो क्या हो जाएगा यहां पर? जिससे डरा जा रहा है, किससे डरा जा रहा है? तो कहा चोर से डरा जा रहा है। तो इस चोर से वाले वाक्य में इसकी संज्ञा क्या हो? इसकी अपादान संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई? इसकी अपादान संज्ञा हो गई। और जिसकी अपादान संज्ञा होती है, आप लोग जानते हैं कि उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। किस सूत्र से लगती है? तो कहा अपादाने पंचमी से लगती है। आई बात समझ में ना? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जब अनुवाद हम लोग बनाते हैं, वह सह कौन, चाहे महेश सुरेश दिनेश, चाहे तो रमा सीता गीता रीना, जो भी आपको लगे, कोई भी नाम रख लीजिए, ठीक, गुरु इत्यादि कोई भी नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में ना? तो यहां पर क्या हो गया? सह क्या हो गया? चोरात, चोर से, क्योंकि डर लग रहा है ना, किससे डर लग रहा है? तो कहा चोर से डर लग रहा है। तो चोर अपादान है, अपादान में पंचमी विभक्ति होगी, तो क्या हो जाएगा? सह चोरात। क्या? विभेति, डरता है ना, तो भी धातु है, तो क्या हो गया? विभेति, ठीक। अगला वाक्य है कि वृक सिंहात विभेति।
कि वह वृक्ष ठीक। अगला वाक्य है आपका वृक्ष, वृक्ष मतलब होता है भेड़िया, क्या होता है भेड़िया होता है, ठीक है ना। भेड़िया शेर से डरता है, किससे डरता है, शेर से डरता है, ठीक। डरता है वृक अर्थात भेड़िया शेर से डरता है, ठीक। तो इसका डर की बात फिर से आ गई, तो किससे डरता है, तो कहा शेर से डरता है, किससे डरता है, तो कहा शेर से डरता है। तो शेर से इसकी अपादान संज्ञा हो गई, क्या हो गई, अपादान संज्ञा हो गई। और जिसकी अपादान संज्ञा होती है आपको पता है अपादाने पंचमी सूत्र से, उसमें पंचमी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, सिंहात वृकः सिंहात विभेद, कि जो भेड़िया है वृक है वो शेर से डरता है, ठीक। अगला वाक्य है कि शिशु सर्पात विभेद, कि बालक बच्चा बच्चा सर्प से डरता है, क्या करता है, डरता है, ठीक। यहां पे आप समझिएगा फिर से, तो सर्प से किसकी बात आ गई, तो कहा जब डरने की बात आ गई, किसकी बात आ गई, डरने की, अर्थात भी आ गया, क्या आ गया, भी आ गया। तो जब डरने की बात आ गई तो यानी कि भी त्रार्था नाम भय हेतु सूत्र लगेगा, आई बस हमने, जब भी त्रार्था नाम भय हेतु सूत्र लगेगा तो वहां पर क्या हुआ, अपादाने पंचमी सूत्र से, उसमें पंचमी विभक्ति। तो बच्चा किससे डरता है, तो सर्प से डरता है, सांप से डरता है, ठीक। बच्चा सांप से डरता है, तो बच्चा एक वचन में, तो शिशु सांप से सर्प से, एक ठो सांप है, बहुत सारे सांप नहीं, सिर्फ एक ठो सांप है, ठीक। तो क्या हुआ, सर्पात, क्या हो गया, सर्पात हो गया, ठीक ना, विभेद डरता है, ठीक। अगला है कि माता पुत्रम अग्नेह रक्षति, माता पुत्र को अग्नि से बचाती है, माता माता पुत्र को माता पुत्र को आग से बचाती है, आग से बचाती है, ठीक। अब यहां ये देखिए, यहां पे क्या आ गई, बचाने की बात आ गई, किसकी बात आ गई, बचाने की। तो आप लोग यहां पे त्र जान लीजिए, जब त्र शब्द होता है, त्र का अर्थ रक्षार्थ होता है, क्या होता है, त्र का अर्थ रक्षार्थ होता है, इसीलिए उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, जो छत्र को धारण करे, अर्थात जो रक्षा का, वह छत्र का अर्थ क्या होता है, रक्षार्थ क्या है, कोई कवच धारण करता हो उसी की रक्षार्थ बात कीजिए। तो कहा माता पुत्र को आग से बचाती है, तो बचाने की जब बात आ गई तो वहां पर क्या है, अपादान कारक हो गया, क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। तो माता पुत्रम पुत्र को अग्नेह आग से क्या करती है, रक्षा करती है, बचाती है। तो माता माता पुत्रम अग्नेह रक्षति, फिर पापात त्रायते, पाप से रक्षा करता है या बचाता है, पाप से रक्षा करता है या बचाता है, तो क्या हो जाएगा, पापात त्रायते, ठीक है ना, आई बात समझ में। अगला वाक्य हम लोग शुरू करते हैं, अगला है आपका आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे। तो कहा कि आख्यातोपयोगे, तो यहां पे दिख गया आपको इस सूत्र का मतलब क्या है, तो कहा आख्यात, जहां पर आख्यात प्रसिद्ध, आख्यात का अर्थ क्या होता है, प्रसिद्ध या फिर गुरुजन, आख्यात गुरुजन, ठीक। तो कहा आख्यात उपके प्रयोग में, ठीक, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, उस व्याख्याता प्रवक्ता आख्याता की अपादान संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा होती है। और अपादाने पंचमी सूत्र से उनमें कौन सा विभक्ति लगेगी, तो कहा पंचमी विभक्ति
लगती है। जैसे उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से अर्थात देखिए, जैसे आज के डेट में तो उपाध्याय एक टाइटल है, ठीक है। प्राचीन समय में गुरुकुल में जो कुछ ले करके शिष्यों से कुछ लेता था, अर्थात जैसे आजकल हम लोग ट्यूशन नहीं लेते हैं, उसी तरीके से जो ट्यूशन लेके कुछ खर्च बर्च लेके पैसा लेकर के पढ़ाता था उसी को उपाध्याय कहा जाता था। अब बाद में ये टाइटल बन गई, ठीक। तो कहा उपाध्यायात अधीते, अर्थात उपाध्याय से पढ़ता है। उपाध्याय आप लोगों ने नाम सुना होगा, कहते कहा उपाध्याय का हाल चाल बा, ठीक बना। तो कहा उपाध्यायात अधीते के उपाध्याय से पढ़ता है। कहा छात्र गुरोह अधीते, छात्र गुरु से अधीत अध्ययन करता है, सीखता है, ठीक। रवि शिक्षकात संगीतम शिक्षते, रवि शिक्षकात शिक्षक से संगीत सीखता है। क्या करता है? सीखता है। क्या सीखता है? संगीत को सीखता है। किससे सीखता है? शिक्षक से सीखता है। कौन सीखता है? रवि सीखता है, ठीक। तो इस तरह से जब आप प्रश्नोत्तर करेंगे तब आपको कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सब कुछ मिल जाएगा। आई बात समझ में? अगला है बालक अध्यापकात संस्कृतम पठति, बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है, तो यहाँ पे फिर क्या गया? अध्यापकात अर्थात क्या आख्यात आ गया ना, नियम पूर्वक विद्या पढ़ने की बात आ गई। जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उस आख्याता व्याख्याता प्रवक्ता शिक्षक गुरु की क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी, और अपादाने पंचमी, ठीक ना। तो क्या पंचमी विभक्ति लगेगी? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ साथ इसी को पढ़ा करके, यानी आज पंचमी विभक्ति पढ़ा करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी विराम करेंगे, क्या करेंगे? अवसान करेंगे, ठीक है ना, यहीं से, ठीक। इस सूत्र को देखने के बाद तो यहां पे एक सूत्र आपको दिख रहा है, अन्याराधितरर्थे दिक् शब्दांचुत्तर पद अजाहियुक्ते। क्या है? अजाहित गणी से है, ये एक गण है अजाहित गणी, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है अन्य अन्य इतर रित रित पूर्व पूर्व प्राक प्राक प्रत्यक प्रत्यक और भवात बहि इत्यादि के योग में अन्य शब्द आ जाए, इतर आ जाए, रित आ जाए, पूर्व आ जाए, प्राक आ जाए, प्रत्यक आ जाए, ठीक है ना, अपश आ जाए, ये सारे शब्दों के योग में क्या होता है? तो कहा पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक होता है। किस सूत्र से होता है? तो आपको दिख रहा है अन्य आराधित दिक् शब्दांचुत्तर पद अजाहियुक्ते सूत्र से, ठीक ना। तो इसका अर्थ देखिए समझिएगा, इसमें कहा कृष्ण से भिन्न, कृष्ण से भिन्न अर्थात कृष्ण नहीं है, कृष्ण से अलग है, कोई और है, ठीक। तो क्या अन्य कृष्णात, ठीक, फिर कृष्ण से भिन्न, भिन्न कृष्णात। देखिए भिन्न के लिए कितने कितने शब्द हैं संस्कृत में, कृष्ण भिन्नात अन्य कृष्णात, ठीक। फिर कहा कृष्ण से भिन्न इतर इतर कृष्णात, तीन छह शब्द भिन्न के लिए मिले आपको, कौन कौन से? अन्य भिन्न इतर मिल गए ना। रित खाली होता है, बिना अर्थ होता है, रित का अर्थ क्या होता है? खाली अर्थ होता है, बिना अर्थ होता है। तो कहा कृष्ण के बिना, मैं कृष्ण के बिना जीवित नहीं रहूंगी या जीवित नहीं रह सकता। मीरा जी कहती है ना कि मेरो तो सिर्फ सांवरे सलोने, दूसरा ना कोई, ठीक है, अखियां हरि दर्शन की भूखी। तो यहां पर ध्यान के बिना, कृष्ण के बिना, तो रिते कृष्णात गांव से पूर्व, तो कहा पूर्वो ग्रामात गांव से पूर्व। प्राक अर्थ भी है, ध्यान के पूर्व के लिए दो शब्द, एक तो पूर्व एक प्राक। पूर्व मतलब पहले, प्राक अर्थ पहले या प्राचीन, तो वहां पे पहले ही अर्थ होता है, ठीक। तो गांव से पूर्व पूर्वो ग्रामात, गांव से पूर्व प्राक ग्रामात, गांव से ग्राम के बाद, इस गांव के बाद दूसरा गांव है, ठीक है। जैसे
प्रयागराज के बाद कोई और दूसरा जिला, ठीक। तो कहा गांव से पूर्व, तो प्राक ग्रामात, गांव के बाद प्रत्यक ग्रामात, ठीक। दूसरा एक वाक्य आपको दिख रहा है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हरि सेव्य है, अर्थात हरि पूजनीय है। हरि सेव्य है, सेव्य का अर्थ क्या है? सेवनीय अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? सेवनीय। इसी को हम लोग वाक्य एक और सरल वाक्य कहते हैं, पूजनीय। क्या कहते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हरि सेव्य है, अर्थात हरि पूजनीय है, कृष्ण पूजनीय है, ठीक। तो इसका जो अनुवाद बनेगा क्या बनेगा कि भवात, क्या भवात? जन्म से पहले प्रभृति। हाँ, क्या है प्रभृति? मतलब होता है बहुत कुछ होता है। प्रभृति का अर्थ चारों अर्थ, बहुत अर्थ में होता है, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की बात कर रहा है, ठीक है। तो भवात प्रभृति, अर्थात जन्म से लेकर, क्या कहा कि जन्म भवात प्रभृति हरि सेव्य, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, भवात प्रभृति मृत्यु हरि सेव्य, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हरि पूजनीय है। फिर गांव के बाहर बगीचा है, गांव के बाहर क्या है? बगीचा। तो ध्यान रखिएगा, अलगाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि गांव है और गांव के बाहर, गांव में नहीं है, गांव के बाहर। जब अलगाव हो रहा है तो वही शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? वही शब्द आ रहा है, अर्थात अन्य आराधित रहते दिख शब्दान चुत्तर पदाय आजाही उक्ते सूत्र से क्या हो गया? ग्रामात बहिः उद्यानम अस्ति, गांव के बाहर क्या है? बगीचा है, उद्यान है, ठीक। तो आई होप मुझे समझ में आता है आपको, क्लास क्या है बड़ी मजेदार लगी होगी, ठीक। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपको अगर कुछ चीजें नहीं आई हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, हम आपको फिर से समझाएंगे, ठीक। पढ़ाने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, आपको कोई भी समस्या कहीं से आएगी, क्योंकि हमारा सपना क्या है? एक न छोड़ो वस्तु पचास साथ भर दी है, प्रयाग के धरती से सही कहा था, कोनो चीज छोड़ बना, बाकायदे इतने बढ़िया ढंग से पढ़ाए, इतना बढ़िया ढंग से समझाओ कि तो आप कहां मिली 10 में 10, ठीक। तो आज की क्लास क्या है? 10 के 10 के साथ हम लोग यहीं पे क्या करते हैं? विराम करते हैं, अवसान करते हैं, फिर कल मुलाकात होगी, क्या? ठीक, चलते हैं मित्रों।